वेल हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नमन जी नेटवर्क। जी हाँ, हमारे चैनल का नाम अब चेंज हो गया है, क्योंकि पहले हुआ करता था मोदी केयर आजादी। जी हाँ, हमने नेम इसलिए चेंज किया है क्योंकि मोदी केयर कंपनी की कुछ इंटरनल पॉलिसीज थी जिसमें यह बताया गया था कि किसी भी यूट्यूब चैनल का नाम मोदी केयर के इनिशियल से नहीं हो सकता, जो कि हमारा था। तो हमने उसको चेंज करके नमन जी नेटवर्क में कर दिया। तो आप सब लोगों का स्वागत है दोबारा से हमारे YouTube चैनल में, और काफी दिन बाद हम ये वीडियो लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेगी। आज का दोस्तों जो टॉपिक है हमारा वो है पीवी और बीवी। जी हाँ, बहुत सारे लोग मुझे अभी भी मैसेज करते हैं, सर पीवी बीवी के लेकर दोबारा वीडियो बनाइए, जबकि हमने ऑलरेडी एक पीवी बीवी को से रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे अपने डाल चुके हैं। बट वो तब की वीडियो है जब हमारा प्लान चेंज नहीं हुआ था। तो हम हमारा प्लान चेंज हो गया है, तो हमने दोबारा से ये सोचा है कि हम आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आए जिसमें आपको पीवी बीवी यानी कि पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वॉल्यूम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले कि एक्चुअल में होता क्या है। क्योंकि दोस्तों हमारा पूरा बिजनेस इसी पे ही टिका है, हमको कितना पैसा आएगा अकाउंट में वो डिपेंड इसी पे ही करता है कि हमारे बीवी और पीवी कितने हैं। तो उसी के रिगार्डिंग में ये वीडियो बना रहा हूँ। आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और पूरा वीडियो शुरू से लेके आखिरी तक ध्यान से देखना है आपको, क्योंकि इसमें मैंने पूरी चीज डिटेल में बताई है कि पीवी बीवी एक्चुअल में होता क्या है। और ये वीडियो देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ, इसके बाद आपको पीवी और बीवी से रिलेटेड कभी भी कोई भी प्रॉब्लम या कंफ्यूजन नहीं होगी। तो आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं मिलता हूँ वीडियो के एंड। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पीवी और बीवी को समझने से पहले हमको इन दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। पीवी का मतलब होता है पॉइंट वैल्यू और बीवी का मतलब होता है बिजनेस वॉल्यू। दोस्तों जैसे मीटर और सेंटीमीटर होते हैं, ग्राम और किलोग्राम होते हैं, वैसे ही पीवी और बीवी होते हैं। कहने का क्या मतलब है, जैसे हम सब जानते हैं एक किलो में 1000 ग्राम होते हैं, एक मीटर में 1000 सेंटीमीटर होते हैं, वैसे ही दोस्तों पीवी और बीवी की भी अपनी यूनिट है। एक पीवी में 27 बीवी होते हैं, यानी कि एक बीवी जो है वो करीब करीब 2 रुपये का होता है। अगर एक बीवी में 27 बीवी हैं और अगर एक बीवी की वैल्यू 2 रुपये है, तो 27 बीवी का मतलब हो गया 54 रुपये, यानी जब हम 54 रुपये की शॉपिंग मोदी केयर में करेंगे तो हमें एक बीवी मिल जाएगा। अब ये पीवी और बीवी को और आसानी से समझने के लिए हम इनको पॉइंट मान लेते हैं, यानी जब हम मोदी केयर में 2 रुपये की शॉपिंग करेंगे लगभग, तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, उस पॉइंट को हम बीवी भी बोल सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों उस बीवी को अगर हम कन्वर्ट करें पीवी में, तो उसके लिए हमें उस बीवी को या उस पॉइंट को 27 तक ले जाना होगा। अगर हम किसी भी बीवी को या पॉइंट को 27 तक ले जाते हैं, यानी अगर हमने 54 से 60 रुपये की शॉपिंग करी मोदी केयर में और हमारे जो बीवी है वो 27 हो गए, तो हमारा एक पीवी बनके तैयार हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पीवी और बीवी। आपको ये ध्यान रखना है कि पीवी और बीवी 1/27, यानी एक पीवी की वैल्यू 27 बीवी के बराबर है। अगर 54 बीवी हैं तो 2 पीवी हो जाएंगे, अगर 108 बीवी हैं तो हमारे 4 पीवी हो जाएंगे। तो पीवी और बीवी को आपको अच्छे से समझना है कि एक पीवी में 27 बीवी होते हैं। अब बात आती है ये बीवी और पीवी, इसकी ज़रूरत क्या है। दोस्तों मोदी केयर में पीवी और बीवी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि अगर यही नहीं होगा तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि हमको कितना पैसा आया है या हमने कितना बिजनेस किया है। आपके जानकारी के लिए मैंने कुछ प्रोडक्ट्स की फ़ोटोज़ लगा रखी हैं और एक लिस्ट बना रखी है। जैसे मोदी केयर में तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हमारे यहाँ जितने भी सोप्स आते हैं हमने सारे सोप्स लगा रखे हैं आपके सामने, जो सोप वॉश की हमारी रेंज है। आप देख रहे होंगे सभी तरीके के सोप्स की लिस्ट दे रखी है, सोप वॉश, वाइट पल सोप, ग्लिसरीन एंड हनी बार, सैंडल सोप, लाइम सोप, एंटी बैक्टीरियल सोप, एलोवेरा, नीम तुलसी सोप और ऑरेंज सोप। सबकी MRP अलग है और DP अलग है, यानी कि मोदी केयर में कोई भी प्रोडक्ट्स आपको MRP पे तो मिलता ही नहीं है, लेकिन MRP सबकी लिखी है और आगे DP लिखी है, यानी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रेट जिस पे आपको प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और सब पे बिजनेस वॉल्यूम भी है, यानी जब आप ये चीज़ें खरीदोगे तो उसके बदले में आपको इन पे बिजनेस वॉल्यूम यानी पॉइंट कितने मिलेंगे वो सब भी आगे लिखे हैं। आप देख रहे होगे कि ये जो सोप वॉश वाइट पल सोप है जिसकी DP रेट 160 है, इस पर हमें 50% बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, यानी कि 160 का मतलब 50 हो गया 80, यानी कि 80 बिजनेस वॉल्यूम हमें उस पर मिल जाएंगे। ग्लिसरीन एंड हनी बार भी हमें
50% बिजनेस वॉल्यूम के साथ मिलता है, यानी कि डीपी रेट है उसका 150 और हमें उसके आधे 75 बिजनेस वॉल्यूम मिल जाते हैं। फिर हमारे पास सैंडल सोप हैं जिनकी एमआरपी 33 है और डीपी 26 है, उस पर हमको 25% बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं, यानी कि 26 रुपये पे 6.5 बीवी। और आगे सबके पीवी लिखा है, ये जो जितने भी बीवी लिखे हैं अगर हम उन सबको 27 से डिवाइड करते हैं तो वो जो पीवी निकल के आता है वो सबके सामने लिखा हुआ। ऐसे ही दोस्तों हर एक मोदी कैरक में प्रोडक्ट आता है जिसपे बीवी और पीवी डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, और वो कितना है वो डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या है। किसी पे 50% भी है, किसी पे 60% भी है, किसी पे 20% भी है, 50% भी है, 30% भी है, डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट क्या है। तो ये आपको दिखाने का मेरा मतलब यही था कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये पीवी बीवी क्यों होता है। दोस्तों ये पीवी बीवी अगर नहीं होगा तो हमें ये समझ में ही नहीं आएगा, या मोदी कर को भी ये समझ में नहीं आएगा कि आपने बिजनेस एक्चुअल में किया कितना है, आपका पे आउट कैसे बनेगा। उसको देखने के लिए, उसको नापने के लिए ही ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आइए आपको आगे ले चलते हैं। दोस्तों मोदी कर में एक पीवी की वैल्यू 27 बीवी होती है, एक बीवी लगभग 2 रुपये का होता है और 27 बीवी की वैल्यू लगभग 54 रुपये के आसपास पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको, अगर आपने मोदी कर से 1000 रुपये के मान लो प्रोडक्ट्स लिए, उस पर आपको मिनिमम से मिनिमम 400 से 500 बिजनेस वॉल्यूम आराम से मिल जाएंगे, आपके बन जाएंगे। मान लो आपने 2500 रुपये का सामान लिया तो उसमें लगभग लगभग आपको 1000 से लेके 1250 या उससे ज़्यादा भी बीवी बन जाते हैं एवरेज। 5000 का सामान लिया तो 2000 से 2500 के बीच में आपके बिजनेस वॉल्यूम बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में बन जाएंगे, हो सकता है ज़्यादा भी बन जाए, डिपेंड करता है कि आपने ख़रीदा क्या है। तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पे कि हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग बिजनेस वॉल्यूम है, कुछ पे ज़्यादा है, कुछ पे कम है, किसी पे 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60, 60% दोस्तों मैक्सिमम में 60% से ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम हमें किसी भी प्रोडक्ट पे नहीं मिलता है। तो कहने का क्या मतलब है कि हम जब एवरेज निकालें, यहाँ पे जो हमने 1000, 2500 और 5000 का एग्जांपल लिया है, अगर हम एवरेज निकालें कि अगर हमने 5000 का सामान लिया है तो उसमें हमारा जो एवरेज बिजनेस वॉल्यूम बनेगा कि लगभग वो 40% से 50% के बीच में बहुत ही आराम से बन जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम एक ही कैटेगरी के तो प्रोडक्ट कभी लेंगे नहीं, हम घर का सामान का भी लेंगे, कुछ हेल्थ के सप्लीमेंट्स भी लेंगे, कुछ डेली यूज़ के प्रोडक्ट्स भी लेंगे, तो सारा मिक्स एंड मैच करके जो हमारा एवरेज बिजनेस वॉल्यूम बनता है वो बनता है 40% से 50% तक। आपके लिए हमने यहाँ पे एक सेल्फ सैंपल ऑर्डर भी बना रखा है। जैसे हमने 2500 रुपये का एक ऑर्डर लिस्ट बनाई है जिसमें 50 पीवी जिसकी वैल्यू है, सभी प्रोडक्ट्स के प्राइस क्वांटिटी आपको सब दिख रहा होगा, कौन सी चीज़ कितने रुपए की है, उस पर कितने डीपी रेट है, उसका कितना बिजनेस वॉल्यूम है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें दिख रही होंगी। और आप देखोगे कि इस 2500 के ऑर्डर पे हमारे जो टोटल बीवी बने हैं वो बने हैं 1353, यानी कि जो ऑर्डर है हमारा अगर हम 1353 को 27 से डिवाइड कर दें तो ये 50 पीवी का हमारा बिल बनके तैयार हो गया है 2500 रुपये में। तो कहने का क्या मतलब है, अब आप बोलोगे 1353 बीवी का अगर हम डबल कर दें तो ये तो होता है करीब 2700 रुपये, ये तो 2700 रुपये का ऑर्डर होना चाहिए था। जी हाँ, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन मोदी केयर में प्रोडक्ट्स के जो बिजनेस वॉल्यूम है वो डिपेंड करते हैं कि आपने लिया क्या है। अब इस केस में आपके कम रुपए में भी थोड़े ज़्यादा बिजनेस वॉल्यूम बन गए। तो ये दिखाने का मेरा तात्पर्य यही था कि आपको ये समझ में आए कि बिजनेस वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता है कि आपने खर्च कितने किए हैं, पैसा कितना खर्च किया है, बिजनेस वॉल्यूम डिपेंड करता है कि आपने प्रोडक्ट। तो दोस्तों अब बात करते हैं APB की, एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस, यानी कि हमारी जो टेबल है APBBB की, इसको समझना जरूरी है। दोस्तों मोदी केयर में जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम पहली बार कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने MCA नंबर पे, तो हमारा जो लेवल हो जाता है वो हो जाता है 7%, यानी कंसल्टेंट, हम कंसल्टेंट बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हमारा जो पीवी होंगे वो 1 से लेकर 300 के बीच में होंगे तब तक हम 7% पे रहेंगे। अगर इसी को बिजनेस वॉल्यूम में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 27 से लेकर 8126, इतने बिजनेस वॉल्यूम के बीच में जब भी हमारे MCA नंबर पे बिलिंग रहेगी तब तक हम लेवल 7% पे रहेंगे। जब ये 10% पे अगर हमें जाना है तो हमें अपनी टोटल जो ID पे पीवी हैं वो 301 करने होंगे, यानी कि 301 से 1200 के बीच में जब तक हमारे पीवी रहेंगे, या 8127 से 32427 बीवी रहेंगे तब तक हम लेवल हमारा 10% रहेगा। उसके बाद अगर हमें लेवल 13 करना है अपना, तो हमारा जो ग्रुप पीवी है, टोटल पीवी, वो 1201 होने चाहिए। जैसे ही हमारे 1201 हो जाएंगे
हमारा जो लेवल हो जाएगा वो हो जाएगा 13%, यानी कि 32,427 अगर बिजनेस वॉल्यूम हो जाएंगे तो हम 13% पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है 1, 301, 1201, 2701 और 4001, ये सब पीवी लिखी हुई हैं। अगर आपको इसकी बिजनेस वॉल्यूम निकालनी है तो आपका सब आप सबका मल्टीप्लाई 27 में कर दो। अगर आप 301 का मल्टीप्लाई 27 में करोगे तो 8127 बिजनेस वॉल्यूम निकल के आ जाएंगे। या तो आप 301 पीवी कर लो या 8127 बिजनेस वॉल्यूम कर लो, एक ही बात है। या तो आप 1201 पीवी कर लो 13% पे जाने के लिए, या 32427 बिजनेस वॉल्यूम कर लो। या तो आप 2701 पीवी कर लो 15% पे जाने के लिए, या तो आप फिर 72927 बिजनेस वॉल्यूम कर लो अपनी आईडी पे। डायरेक्टर जाने के लिए या तो आप 4001 पीवी कर लो, या फिर आप 108027 बिजनेस वॉल्यूम कर लो। तो बीवी पीवी एक ही चीज़ है, बस इसका कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अब आप सोच रहे होगे ये इतना ज़्यादा होगा कैसे, 7 से हम 10 पे कैसे आएंगे, 10 से 13, 13 से 15, 15 से 16, ये तो बड़ा कठिन है, इस पे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दोस्तों हमारा जो पीवी बीवी का सिस्टम है वो एक्यूमुलेटेड है, यानी कि वो हर महीने बढ़ता रहता है। जैसे आपने मान लो पहले महीने 50 पीवी करे, 2,500 से 3,000 रुपये का सामान खरीदा जिसपे आपको 1,350 बीवी मिले। अब दूसरे महीने आपने 6 लोगों को स्पॉन्सर करा और सब ने मान लो 50 पीवी करे, तो आपका टोटल 300 पीवी इस महीने हो गया फ्रेश। और पिछला जो पीवी है वो भी हमारा जुड़ता रहता है। इस महीने दोस्तों हमने जो किया वो हुआ 300 पीवी, और पिछले महीने का 50 पीवी भी था वो भी जुड़ता है। तो अगर हमारा पिछले महीने का पीवी नहीं जुड़ता तो हमारे 300 पीवी ही रहते, तो भी हम 7% पे ही रहते हैं, क्योंकि 10% पे जाने के लिए 301 पीवी चाहिए, यानी कि एक पीवी हमारा शॉर्ट रहता। लेकिन क्योंकि मोदी केयर में पिछला पीवी भी जुड़ता है तो हमारे यहाँ पे 350 पीवी होगा और हम लेवल 10% पे हो गए। उसके बाद थर्ड मंथ आता है, मान लो तीसरे महीने हमने 20 लोगों को हमारी टीम हो गई और सबने 50 पीवी करा, तो हमारा हो गया 1000 पीवी जो कि फ्रेश है, जो उसी महीने का है। और पिछले टोटल हमारे जो पीवी थे वो थे 350, तो 1000 प्लस 350 होते हैं 1350 पीवी, यानी कि ये 1350 1201 से ज़्यादा है, हमारा लेवल फिर बढ़ के 13 हो गया। तो दोस्तों ऐसे जुड़ते 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 हम 16% या डायरेक्टर पे बहुत ही आसानी से पहुंच जाते हैं। तो आपको इसको समझना होगा कि ये ऐसे काम करता है, ऐसे हमारी टेबल चलती है और ऐसे ही हम इस बिज़नेस में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे एक और चीज़ होती है, वो होती है फास्ट 10%। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अगर हम 301 पीवी अपनी आईडी पे कर लेंगे या 2127 बिजनेस वॉल्यूम कर लेंगे तो हम 10% बन ही जाएंगे। लेकिन मोदी केयर में एक फास्ट 10% का भी ऑप्शन आता है, यानी अगर हम किसी भी एक सिंगल मंथ में 301 पीवी की जगह केवल 240 पीवी भी कर देते हैं, यानी कि 240 को अगर हम 27 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 6480 ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम कर देते हैं किसी भी सिंगल महीने में, तो हम 10% पे पहुंच जाते हैं, जिसको फास्ट सीनियर कंसल्टेंट भी बोला जाता है, FSC भी बोला जाता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम 8127 बिजनेस वॉल्यूम ही करें, 301 ही करें, कम पीवी करके भी, कम बिजनेस वॉल्यूम करके भी हम अपना लेवल जल्दी से इंक्रीज कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि ये सारा काम हमें किसी एक सिंगल मंथ में करना है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें 750 रुपये के प्रोडक्ट्स मोदी केयर रिवॉर्ड में फ्री में देता है इस अचीवमेंट को करने के लिए। यानी अगर हम अपना लेवल जल्दी से तेज़ी से 10% करते हैं तो हमें 750 का प्रोडक्ट मोदी केयर फ्री में दे देता है। अब इसको भी एग्जांपल से समझ ले, ये कैसे हो जाएगा। अगर हम 5 लोगों को किसी भी एक सिंगल मंथ में ज्वाइन कराएं, यानी कि वो सब लोग भी अपने 50 पीवी करें, तो हो गए हमारे 250 पीवी, और हमें चाहिए कितने थे 240 पीवी, हो गया हमारा फास्ट 10%। कितना सिंपल है, 5 लोगों को ज्वाइन कराओ अपने साथ, आपको मिला के जिसमें आप भी शामिल हो, यानी कि आप 4 लोगों को ज्वाइन करा रहे हो जिसमें एक आप खुद हो, तो टोटल 5 लोग अगर अपने 50 पीवी भी करेंगे तो 250 पीवी हो गए आपके, आप फास्ट 10% हो गए। तो इतना आसान है फास्ट 10% करना, और आपको 750 का सामान भी फ्री में मिल जाएगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दोस्तों जो पीवी होते हैं उससे हमारा टाइटल देखा जाता है कि हमारा लेवल क्या है, हम कंसल्टेंट हैं, सीनियर कंसल्टेंट है, असिस्टेंट सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र है, डायरेक्टर हैं। और जो बिज़नेस वॉल्यूम देखा जाता है वो तब देखा जाता है कि जिसमें हमें पे आउट मिल रहा हो, यानी कि टाइटल के लिए हमारा लेवल देखा जाता है, यानी कि टाइटल के लिए पीवी को देखा जाता है, और पे आउट के लिए बिज़नेस वॉल्यूम को देखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि कई बार कंपनी एक्स्ट्रा पीवी का ऑफर ले आती है, तो एक्स्ट्रा पीवी से हमारा
बिजनेस वॉल्यूम से तो कोई मतलब नहीं होता है, तो इसीलिए एक्स्ट्रा पीवी जब भी ऑफर आता है इसकी वजह से मोदी केयर हमें हमारे टाइटल को पीवी से देखती है और हमारे पे आउट को बिजनेस वॉल्यूम में देखती है। तो ये इतना सिंपल है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको डिटेल में सब कुछ भी समझ में आ गया होगा कि पीवी या फिर होता क्या है, इसमें कैसे पैसा आता है और क्यों ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, कोई भी आपका सवाल है, तो आप अपना सवाल नीचे कमेंट में छोड़ सकते हैं। हम आपके सवाल का 100% जवाब देंगे जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। तो थैंक यू सो मच आपने ये हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले ही किसी नए वीडियो में। थैंक यू।